हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी रेटी सोल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक्सेल डायनेमिक्स, आईबीएम और इन्फोसिस ने अपने करियर पेज में कुछ नए ऑफ कैंपस के रोल निकाले हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप 19, 20, 21, 22 बैच के स्टूडेंट हो तो आप इन अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जानेंगे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और आपको किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप दोस्तों 19, 20, 21 बैच के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफी एक और अच्छी न्यूज है दोस्तों। अब इंडिया में एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुका है जहां पे ये फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने अपना कॉलेज किस तरह से कंप्लीट करके रखा है, आपका कितना परसेंटेज आया है। अगर आपके पास एक अच्छा स्किल सेट अवेलेबल है तो आप बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पे जॉब लगा सकते हो, जहाँ पे आपको 15 लाख प्लस का सीटीसी ऑफर होता है। यहाँ पे दोस्तों ऐसी कंपनियाँ हायरिंग कर रही है, जैसे अगर मैं कुछ कंपनियों के नाम बताऊँ तो रोजरपे, अनएकेडमी, कोडनेशन, जो कि दोस्तों 15 LPA प्लस का सीटीसी आपको ऑफर करती है। इसके लिए दोस्तों अनएकेडमी रीलेवल अभी हाल ही पे लॉन्च हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे 3 अलग अलग टूर्नामेंट चल रहे हैं। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट अच्छे से आता है, बैक एंड डेवलपमेंट पे आप अच्छे हो या फिर आप बिजनेस पे अच्छे हो तो आप इन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट करके आप अच्छी कंपनी में अपनी जॉब लगा सकते हो, वो भी अपने स्किल के बेसिस में, ना कि परसेंटेज या फिर रिज्यूम के बेसिस में। इसके ऊपर दोस्तों डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो अगर आप सीरियसली किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करना चाहते हो तो इसमें जरूर अप्लाई करना। वैसे दोस्तों यहाँ पे आपको अभी 1999 पे करना होगा और अगर आप मेरा कोड SIS10 यूज करते हो तो आपको 200 रुपये का यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इससे रिलेटेड लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कूपन कोड SIS10 भी यूज कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं एक्सेल डायनेमिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां पे देखते हैं कौन सी जॉब ओपनिंग निकली है और उसके लिए कैसे आप अप्लाई कर पाओगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक्सेल डायनेमिक्स के करियर पेज पे आना होगा और यहां पे आप देख सकते हैं जो यहां पे जॉब रोल आपको देखने के लिए मिल रहा है वो है कंटेंट स्पेशलिस्ट का। और बेसिकली ये बात कर ली जाए ये किस तरह का जॉब रोल होने वाला है, तो इसमें दोस्तों आप वर्क फ्रॉम होम जॉब भी कर सकते हो। और अगर आप 19, 20, 21, 22 अगर आप 22 बैच के भी हो ना तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली आपको जो जॉब शिफ्ट करना होगा वो नाइट शिफ्ट का यहाँ पे आपका काम होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे इन्होंने डिमांड नहीं की है। एजुकेशन में यहाँ पे इन्होंने बताया है इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपना ग्रेजुएशन किस बैकग्राउंड से किया, मतलब आप बीकॉम के हो, बीबीए के हो, बीटेक के हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बीए के हो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको बेसिकली दोस्तों ये जो स्किल सेट इन्होंने डिमांड की है वो आपको आनी चाहिए। सैलरी की रेंज यहाँ पे इन्होंने बताई है 5 लाख पर एनएम से 10 लाख पर एनएम के बीच आपकी यहाँ पे सैलरी होने वाली है और किस तरह का काम आपको यहाँ पे करना है। तो बेसिकली दोस्तों आपको यहाँ पे क्लाइंट के साथ डील करना है और डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे यहाँ पे आपको काम करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको ट्रेनिंग भी यहाँ पे दी जाएगी। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ का आपको यहाँ पे बटन मिल रहा है जिस पे आपको क्लिक करके एक सिंपल सा फॉर्म फिल कर देना है और अपने रिज्यूम को अपलोड कर देना है। इसके बाद ये आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे आपके ईमेल पे और फिर आपके आगे के राउंड्स होंगे। तो अब हम बात करते हैं आईबीएम की तरफ से जो जॉब ओपनिंग आई है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो आपको जॉब टाइटल देखने के मिल रहा है दोस्तों वो है वेब डेवलपर ई लर्निंग का। तो आप दोस्तों यहाँ पे अगर ऐसा वेब डेवलपर जॉब पाना चाहते हो, अगर आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा नॉलेज है, बैक एंड पे आपका ज़्यादा कमांड नहीं है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बात कर लें यार यहाँ पे कौन कौन से बैच वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 19, 20, 21 बैच के स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको वेब डेवलपमेंट में तो कोई एक्सपीरियंस है तो बात ही अलग है, आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस तो और भी ज़्यादा हाई हैं। बात कर लें कौन कौन से स्किल सेट्स यहाँ पे डिमांड किए गए हैं। एक और चीज़, इस पर्टिकुलर रोल के लिए 22 बैच वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं और इन्फोसिस वाले में भी 22 वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 22 वाले सिर्फ एक्सेल डायनेमिक्स में ही अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे दोस्तों बात कर ली जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ई लर्निंग आपको करना होगा, मतलब आप यहाँ पे ये एक आपको कुछ ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको पढ़ते पढ़ते चीज़ों को सीखोगे और आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे अच्छे से काम करने आना चाहिए, जैसे HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery। अगर आपका UI UX में अच्छा कमांड है तो फिर आप यहाँ पे इजीली शॉर्टलिस्ट हो सकते हो। इसके अलावा अगर बात कर लें यार
और क्या इन्होंने यहाँ पे डिमांड की है, तो यहाँ पे इन्होंने अलग से तो और कुछ डिमांड नहीं की है, वही जो बेसिक होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका वर्बल अच्छा होना चाहिए, आप एप्टीट्यूड लेवल अच्छा होना चाहिए, आप एक टीम प्लेयर होना चाहिए, तो वो यहाँ पे इन्होंने बेसिक डिमांड की है। बेसिकली अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम कर लेते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो ना, तो आप अपने रिज्यूम पे ये जरूर मेंशन करना कि आपने फ्रंट एंड पे कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है ना, वो आपके रिज्यूमे के बेसिस पे ही होने वाली है। तो आप अपने रिज्यूम पे जरूर फ्रंट एंड से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट को मेंशन करना। बात कर लिए कौन से लोकेशन के लिए हायरिंग हो रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल सिटीज के लिए हायरिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बल्क हायरिंग होगी, यानी ज्यादा लोगों की हायरिंग होगी। और यहाँ पे बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब रोल है। अप्लाई कैसे करना है, आपको यहाँ पे एक अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है, एक फॉर्म आएगा, उसे आपको फिल करके सबमिट कर देना है, बाकी ये आपसे आने वाले समय पे आपके ईमेल पे कॉन्टेक्ट करेंगे। अब अगर बात कर ली जाए इन्फोसिस की तरफ से जो जॉब ओपनिंग आई है उसके बारे में, तो इन्फोसिस की तरफ से दोस्तों जो जॉब ओपनिंग आई है इसका आप टाइटल देख सकते हैं, टेक्निकल प्रोसेस एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पे 19-20-21 बैच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, 22 वाले नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो ईयर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। और अगर बात कर लें कि कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपने बी कंप्लीट किया है या फिर आप लास्ट ईयर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो। अगर बी सी की हो, एम सी की हो, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। वहीं पे आई बी एम पे अगर आप एम सी की हो, एम एस सी की हो, बी बी टेक की हो किसी भी ब्रांच से, तो आप अप्लाई वहाँ पे कर सकते थे। बेसिकली यहाँ पे बात कर लें कि जॉब रोल क्या होने वाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सर्विस लाइन होगा वो होगा बी पी ओ सर्विस लाइन। तो बेसिकली आपको यहाँ पे काइंड ऑफ टेक सपोर्ट का काम करना होगा, जो कस्टमर हैं इनके इन्फोसिस के और जो भी डेवलपर्स हैं उनके बीच में आपको कम्युनिकेशन करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो कम्युनिकेशन लेवल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, अच्छे से बोल लेते हो, अच्छे से लिख लेते हो, तो आपके यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे अगर बात कर लें और क्या क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, तो यहाँ पे इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल पे ज़्यादा जोर दिया है। इसके अलावा आपको ईमेल पे काम करने आना चाहिए, मतलब आप ईमेल के बारे में जानते हो, ईमेल भेजना जानते हो, एमएस आउटलुक पे काम कर लेते हो। इसके अलावा जो भी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अगर आपके पास है, मतलब एमएस ऑफिस के जो भी पैकेजेस होते हैं, एक्सेल हो गया, ऑफिस हो गया, इसमें अगर आप काम कर लेते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों परसेंटेज की कोई मांग नहीं की गई है, बेसिक यहाँ पे स्किल सेट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद ये शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो शॉर्टलिस्ट जब आप करेंगे, जब ये करेंगे, तो उस समय हो सकता है कि अगर कुछ ऐसे लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं जिनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हायर है, तो ऑब्वियस ही बात है उस बेसिस में फिर यहाँ पे जब शॉर्टलिस्टिंग होगी तो आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन पे परसेंटेज देखा जाएगा, जो कि दोस्तों 60 से ज़्यादा होना चाहिए। अप्लाई आप इसमें कैसे करोगे, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, अब आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस आता है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज आता है, जहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, या फिर आप अपने सिंपल जीमेल या फेसबुक अकाउंट से भी यहाँ पे लॉगिन कर लेते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे, अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आने लग जाएगा, जहाँ पे आपको अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, स्किल्स जो भी आप जानते हो, जैसे आप पाइथन जानते हो, जावा जानते हो, या फिर आप जैसे ऑफिस के टूल पे काम कर लेते हो, तो वो सारा आपको यहाँ पे लिखना है और सबमिट बटन को प्रेस कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज आता है, जहाँ पे आपको नीचे आके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, आप कौन से सिटी पे इंटरव्यू देना चाहते हो उसे आपको सेलेक्ट करना होगा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो डिटेल डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, अपना रिज्यूम अपलोड करोगे और अप्लाई बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अब इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि आप इसके लिए सक्सेसफुल अप्लाई कर चुके हो, और आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको भेज दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।